हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी ये मॉर्निंग का टाइम, मैं अपनी रंगोली बना रही हूँ। घर की साफ़ सफाई सब कुछ हो चुकी है। अभी तो नवरात्रि का दिन है तो मैं सुबह जल्दी उठ के ये सब कर लेती हूँ। और बच्चों का स्कूल भी अभी बंद है, समर वेकेशन हो चुका है, तो बच्चे बड़े सब एकदम सुबह सुबह ना तैयार हो जाते हैं नहा धो के एकदम से। अभी मैं नहाने के बाकी हूँ अभी, क्योंकि जो सुबह का मुझे खाना वगैरह तैयार हो करना होता है बच्चों के लिए, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट से नहाती हूँ। थोड़ा लेट से, बहुत ज़्यादा नहीं, बस सुशील जी जाते हैं उसके बाद मैं नहाने घुस जाती हूँ अपना। और यहाँ देखिए, इन बच्चों को अभी ना मन जो है एक बड़ों को देख के ये भी सीखते हैं, इसलिए हमें ऐसा आचरण रखना चाहिए कि जिसे अगर बच्चे सीख भी रहे हैं तो अच्छा सीखें। पूजा करते हुए वो हमें देखते हैं तो वो भी पूजा करने के लिए मतलब तैयार है आरुष, कि मैं भी जल चढ़ाऊँगा सूर्य देव को। और आज सच माने तो पहली बार वो सूर्य देव को, तुलसी माता को जल चढ़ा रहा था। वरना इन्हें तो टाइम मिलता है नहीं, कि सुबह सुबह उन्हें स्कूल जाना रहता है। अब ये देखिए मुझसे पूछ भी रहा है कि मैं जल चढ़ाऊँगा माँ, तो मैंने भी मना नहीं किया, कहा कि हाँ ज़रूर चढ़ाओ, अच्छी बात है। और मैं ये मानती हूँ दोस्तों कि हम जो बड़े होते हैं ना, घर के जो बड़े होते हैं, वो ही बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। रोल मॉडल कहने का मतलब कि जैसे बड़ों का व्यवहार होता है, जैसा उनका आचरण होता है, वही चीज़ें बच्चे ऑब्ज़र्व करते हैं, वो सीखते हैं। तो अगर हम खुद को एक डिसिप्लिन मैनर में रखेंगे, बच्चे भी खुद ब खुद उसी मैनर में, उसी डिसिप्लिन में ढलेंगे, और यही डिसिप्लिन उनके भविष्य में काम आने वाली है। तो भाई पेरेंटिंग इतनी आसान नहीं होती है, बहुत कुछ देख समझ के करना पड़ता है, बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है। तो दोनों बच्चों ने अपने पापा के साथ पूजा कर ली है और नाश्ता करके सुशील जी ऑफिस भी जा चुके हैं। अब बारी है मेरी पूजा करने की। तो पहले भाई मैं अपना गृहस्थी देखती हूँ, खाना पीना जो भी है, बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाकर खिला देती हूँ उनको, शुभी को दवाइयाँ भी दे देती हूँ। उसके बाद मैं जाती हूँ नहाने और अपने हिस्से की पूजा करती हूँ। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि घर में सबसे लास्ट में पूजा मैं ही करती हूँ। घर का सब कुछ अपना जिम्मेदारी निभाने के बाद भाई मेरे मन को भी तसल्ली रहती है कि बच्चों ने नाश्ता कर लिया है, टाइम से दवाइयाँ ले ली हैं, तो ये एक चीज़ मेरा ड्यूटी पूरा हो जाता है ना। तो उसके बाद मैं बड़ी शांति से अपनी पूजा निपटा लेती हूँ। और नवरात्रि का जो ये दिन चलता है ना, दिन 9 दिन, वो बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। हर काम जो है एकदम शांति से, एकदम मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, माहौल बहुत अच्छा लगता है और टाइम से निपट जाता है सब कुछ। कहीं कोई इंसान ना लेज़ी नहीं रहता है, मतलब सब लोग नहा धो के सवेरे एकदम रेडी हो जाते हैं, बच्चे हो या बड़े। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। रोज़ क्या होता है, हम थोड़े लेज़ी हो जाते हैं, थोड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ी बातें कर रहे हैं, थोड़ा फ़ोन देख रहे हैं, तो ये सब होता रहता है। और लेकिन नवरात्रि में इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं हम लोग एकदम, और अपने काम पे बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं। बहुत ही अच्छा दिन होता है ये 9 दिनों का। यहाँ एक्चुअली हुआ क्या था, पीछे दरवाजे के पास खड़े होके शुभी चुपचाप से मुझे देख रहा था कि मम्मा क्या बना रही हैं। तो मैंने शुभी को अपने पास बुलाया और दिखाया उसको कि मतलब देखो एकदम तुम्हारे पसंद की सब्ज़ी बनी है। उसको ढेर सारी तरी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में बताया है। तो जब उसने देखा तो वो खुश हो गया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, यही सेम सहजन आलू की सब्ज़ी मैंने कल भी बनाई थी और सिर्फ अपने बेटे के लिए आज भी बनाई है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा पसंद आ रहा था ना कि उसने कहा कि मुझे और खाना है। तो मैंने उसे कहा था कल
कि मैं दोबारा से ये वाली सब्जी ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। और देखिए, जब भी या तो मछली हो और या कोई तरी वाली सब्जी ऐसी सहजन आलू की, तो उसको नट ग्रेवी बहुत ज़्यादा चाहिए और उसको ऐसी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। भले आप आलू मत दो, कुछ भी नहीं दो, ग्रेवी ढेर सारी दे दो, वो खा लेगा आराम से। आलू उसको ज़्यादा पसंद नहीं आता है क्योंकि। मेरी दाल अभी पक रही है, आप सामने देख ही रहे हैं, कुकर चढ़ा हुआ है गैस पे, गैस चूल्हे पे मतलब। तो दाल को मैंने सिम आँच पे करके चढ़ाया हुआ है क्योंकि अब मुझे देर हो रही है, मैं फटाफट से अब नहाने जाऊंगी। क्लीनिंग कुछ ज़्यादा नहीं करना था, सब कुछ साफ़ ही है एकदम, आप देख ही रहे हो, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता है। तो जब भी कुछ मैं बना के हटती हूँ ना, तो साफ़ ज़रूर करती हूँ, ये मेरी एक बीमारी है। मैं बार बार अपने किचन काउंटर टॉप को हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। तो अभी मैंने बर्तन धोए, सब्जी बनाई, तो इसके लिए मैंने साफ़ कर लिया। हाँ, नीचे का फ्लोर जो अभी आप देख रहे हो मैं साफ़ कर रही हूँ, ये मैं बस एक बार करती हूँ, सब कुछ करने के बाद, सारा कुछ बनाने के बाद, जब मैं किचन से निकलने लगती हूँ तब मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। और दाल को मैं वैसे ही पकने दूंगी क्योंकि जब तक ये पकेगी मैं नहाकर झट से आ जाऊंगी। और दोस्तों, मैं ये भी आपको बता दूं कि ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ना, ये है सप्तमी का व्लॉग। सप्तमी का व्लॉग मैं सप्तमी के दिन ही पोस्ट करना चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैंने एडिट नहीं करा हुआ था, एडिटिंग वगैरह बहुत सारा काम होता है, और नवमी के दौरान तो वैसे ही बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, तो मुझे क्षमा करिएगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं टाइम से व्लॉग अपना आप लोगों के सामने लेकर आती रहूं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूं कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन जो होती है, घंटी का एक आइकन आप देखते होंगे, उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचते रहें। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ, ये गजरे जो मैंने माता रानी के चरणों में रखे हैं उनको अपने बालों में लगाऊंगी। ये दोस्तों, मैंने अभी अभी देखा, हमने मैंने पूजा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ माता रानी के चरणों से उठा के फूल अपने बालों में लगाऊंगी। ये मेरा रोज का है, मतलब माता रानी के आशीर्वाद से इस नवरात्रि में मुझे गजरे लगाने को मिल जाते हैं रोज रोज। देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ, उनका आशीर्वाद भी रहता है और वो आशीर्वाद फूल बन के मेरे साथ आ जाता है। जय हो माता रानी। चलिए मैं लगाने जा रही हूँ। ये हल्ला गुल्ला शोर शराबा आप पीछे सुन रहे हैं ना, बच्चों का शोर है ये। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं तो भाई उनकी तो मस्ती रहेगी ही, और ये भी चलेगी, 2 महीने चलेगी इनकी ये छुट्टी, तो ये सब आपको सुनने को मिलेगा मेरे व्लॉग्स में। तो अब मैंने बालों में गजरे तो लगा लिए हैं, अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने। नाश्ता आजकल मैं रोटी नहीं खा पा रही हूँ, फ्रूट्स ही ज़्यादा खाती हूँ आजकल। मैं नाश्ता कर नहीं रही हूँ, पता नहीं क्यों, रोटी बनाती हूँ, मुझे खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता है। मैं एक्चुअली हमेशा मतलब भूख लग जाती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान ना इतना सारा काम रहता है, भूख नहीं लगती है, काम करते रहो, मेरी आदत है, मैं अगर ज़्यादा काम करती रहूँगी मुझे भूख ही नहीं लगेगी। और गर्मी तो आप देख ही रहे हो, गर्मी के चलते तो वैसे भी किसी को खाने का दिल नहीं करता है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ फ्रूट्स कुछ खा लेती हूँ, तो भी सही है गर्मी के मौसम में, एक्चुअली वही सही है। फ्रूट जूसेस लीजिए, लिक्विड खाइए मतलब पीजिए, और फ्रूट्स खाइए। अन आप थोड़ा कम भी खा रहे हो ना तो चलेगा, वही सेहत के लिए अच्छा है, कम खाओ स्वस्थ रहो।
फ्रूट्स खाते रहो, फ्रूट जूसेस पीते रहिए आप लोग भी। गर्मी तो वैसे हर जगह बढ़ रही है, लेकिन न्यूज़ में सुनने को मिलता है बहुत जगह बारिश भी हो रही है। आज मैं अजीब सा बाग बना ली हूँ बुढ़िया जैसे, मतलब एकदम समेट के, गर्मी के चलते, गर्मी के कारण चेहरे पे बिल्कुल बाल मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं, एकदम से समेट के मैंने आज बाग बना लिया। और चेहरा तो इसकी वजह से एक अजीब सा हो ही गया है, इसका कुछ तो उपाय आप लोग बताओ यार क्या करूँ। जब भी इसमें इतना सारा वेसलिन मैं पोत के रखती हूँ एकदम, जब भी थोड़ा सा आ करके करती हूँ, जब खाना होता है या कुछ भी, ब्लड आ जाता है, जैसे फट जाता है ब्लड आ जाता है। कैसे ठीक होगा पता नहीं, इतने दिन हो गए, मतलब 4-5 दिन हो गए ये परेशान हूँ मैं इसकी वजह से। और कुछ तरीका है तो आप लोग प्लीज़ सजेस्ट करो कि कैसे ठीक हो गई। फिलहाल मैं जा रही हूँ कुछ फ्रूट्स खा लूँगी, केले लेती हूँ। बच्चों को चाहिए ऑरेंज, मैं खाऊंगी बनाना। बच्चों को जब मैं फ्रूट्स दे रही थी तो पुचू ने तो पहले ही फरमाइश की थी कि उसको ऑरेंज खाना है, तो मैंने उसको ऑरेंज जाके दिया। लेकिन बनाना जब मैं दे रही थी सबको, तो आज क्या पता ना जाने क्यों शुभी ने भी हाथ बढ़ाया कि मुझे भी बनाना खाना है, लेकिन बनाना एकदम वो नहीं खाना चाहता है, एकदम नफरत है उसको। बस हाथ ही बढ़ाया था उसने और मैंने एकदम से कंफर्म किया कि तुम खाओगे तो उसको बर्बाद तो नहीं करोगे, तो उसने कहा कि नहीं मैं खाऊंगा। मैंने दिया, लेकिन बाद में जाके हे भगवान, बस हाथ में लेके ही वो बैठा रहा, बच्चों की देखा देखी बस उसने मांग ली थी पर खाया नहीं उसने। तो देखा आपने, मैंने कहा ही था कि वो, उसने बस बच्चों की देखा देखी मांग तो लिया था पर वो खाता नहीं है, तो हाथ में ही लेके बस बैठा हुआ था। और यहाँ पुची ने कहा कि मेरा ऑरेंज छील दीजिए, तो मैंने कहा कि आप एक प्लेट लेके आओ, मैं छील के उसमें दूंगी तो आप खाना। मतलब सारे बच्चे ही फ्रूट्स आराम से खा रहे थे एक सूबी को छोड़ के, वो ऐसे ही लेके बैठे हुए हैं। तो मैंने अपना केला भी खाया, फिर सूबी के ने जो हाथ में लेके बैठा हुआ था वो भी मैंने ही ख़त्म किया। और यहाँ काजल भी पूजा कर चुकी है तो नीचे आके बैठी हुई थी। अभी जो बच्चे हैं ना, छुट्टियाँ हैं तो जहाँ भी रहते हैं सब साथ में ही रहते हैं, या तो ऊपर रहेंगे सबके सब या सारे के सारे सब नीचे रहेंगे। तो काजल भी आके बैठी हुई थी, हम दोनों बातें कर रहे थे। नवरात्रि में एक ये चीज़ भी है, मैंने देखा है काम जल्दी ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद थोड़ी देर बात करने का टाइम हमें मिल जाता है, वरना और दिन में ना हम बहुत सारा काम और एक के बाद एक आता ही जाता है तो टाइम नहीं मिल पाता, सीधे शाम को मिलते हैं हम लोग। तो अभी तो सुबह सुबह सारा काम भी ख़त्म हो गया है, दोपहर में बस थोड़ा सा चावल वगैरह बनाना है तो वो तो हो जाएगा, बाद का काम है वो। अब फिलहाल मैं अपने बच्चों के साथ अपना फ्रूट्स इन्जॉय कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग भी आपने इन्जॉय किया होगा, थोड़ा सा भी अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, ढेर सारा अपना सपोर्ट दीजिए मुझे, मुझे ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।